जो सिखाना चाह रहा हूँ मैं ज्यादा से एक्सरसाइज दिखाऊंगा पेट का, जो अगर आप करें रेगुलर करें तो क्या इससे आपका पेट मेंटेन है। इसका मतलब ये नहीं दोस्तों कि आपके पेट में जो ऋतिक रोशन की तरह जो खांच होते हैं वो आ जाएगा, वो लोग बहुत ही प्रोफेशनल है और वो जो पेट के जो कटिंग निकालते हैं उन लोग के लिए उन लोग को काफी मेहनत करना पड़ता है। सबसे पहले उन लोगों को फूड पे काफी मेंटेन करना पड़ता है, फूड पे काफी ध्यान देना पड़ता है, तब वो पेट का सेट हो जाता है। मैं जो एक्सरसाइज दिखाऊंगा ये जस्ट फॉर अपना पेट मेंटेन करने के लिए आप कर सकते हैं। तो मैं चार ऐसे एक्सरसाइज दिखाना चाह रहा हूँ जो अगर आप रेगुलर करें आपका पेट काफी मेंटेन। तो चलिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, ये सब जो क्लॉक घड़ी रिस्ट वॉच वगैरह है एक्सरसाइज करने समय से आपका साइड है। तो आइए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, जब ऊपर की ओर उठिएगा ना तो आप अपना सांस ऊपर की ओर छोड़िए। देखिए मैं सांस का इसमें काम क्या होता है, तो ये इस तरह से किया जाता है। अब क्या होता है इसे करने से फायदा क्या होता है, जब भी आप ये कर रहे हैं तो ये पेट का ऊपर पेट का जो ऊपरी हिस्सा है उसके लिए एक्सरसाइज किया जाता है। मैं बार बार बोल दे रहा हूँ दोस्तों ये आपका पेट का जो एब्स होता है उसके लिए नहीं है, उसके लिए काफी मेहनत करना पड़ता है तब होता है। ये मैं जस्ट अपना फिटनेस के लिए, जैसे नॉर्मली फिटनेस आप लोग काम वगैरह जो करते हैं तो खाने पे मेंटेन नहीं कर पाते, ये सब अगर एक्सरसाइज करेंगे तब कुछ छोटा मोटा देते। ये पहला एक्सरसाइज था दोस्तों, और मैं आपको दूसरा एक्सरसाइज दिखाता हूँ। इसे भी एक तरफ का सिटअप ही कहते हैं पर ये लोअर के लिए होता है, लोअर सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसेस है। यूं करें अपने दोनों हाथों को ऐसे करके रखिए जस्ट ऊपर, और ये सांस ऊपर की ओर, ये दूसरा स्टेप। और तो एक और दोस्तों एक बात तो जान लीजिए कि बॉडी बिल्डिंग ऐसा एक चीज होता है, भले आपका चेस्ट बाइसेप ट्राइसेप जितना भी हो जाए अगर आपका पेट मेंटेन नहीं रहे तो उस बॉडी का कोई मतलब नहीं, इसलिए पेट को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। और मैं दो चीज दिखाता हूँ आपको, वो भी सिंपल है आप आसानी से कर सकते हैं। तो इससे भी आप एक पेट एक्सरसाइज कर सकते हैं, ये भी इजी है जिसमें आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। ये क्यों टैप को ये डाउन कर सकते हैं, हर एक्सरसाइज में एक ही चीज को आपको फॉलो करना है। जब भी आप सांस छोड़ेंगे जब सपोज ये जो मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ ये पैर को जब मैं ऊपर कर रहा हूँ तब साइड छोड़ रहा हूँ, और नीचे करने से आपको सांस छोड़ रहा है, इस तरह होता है। और मैं लास्ट एक्सरसाइज दिखाता हूँ, चिलिंग तो सभी मारते हैं, चिलिंग वगैरह तो आप लोग को सभी माननी आता है, ये तो बहुत बेसिक व्यायाम है, तो इसमें पेट का बहुत अच्छा एक्सरसाइज। यूं पकड़ लीजिए कोई बात नहीं, हमेशा की तरह मैं कह रहा हूँ आपको। बाय दोस्तों।